14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विद्यार्थी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर उपासना करते हैं। विद्यार्थी टेरो कार्ड रीडर और क्रिस्टल थेरेपिस्ट के अनुसार बताए गए उपाय करते हैं तो उनसे मां सरस्वती प्रसन्न होती है, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। आप भी यह उपाय आपके घर पर कर सकते हैं। टेरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले के अनुसार उपाय बताया गया है। उपाय में सबसे पहले स्नान करने के लिए जब आप जा रहे हैं और आपने स्नान का पानी एक बाल्टी में लिया है, तो उस बाल्टी में आपको एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर उस पानी से स्नान करना है। आपको बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना है। पीली वस्तुओं का ज़रूरतमंदों को दान देना है और विशेष रूप से आप बसंत पंचमी के दिन 5, 7 और 11 लोगों को ग्रंथ भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है, जिससे विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या उपाय है आपके पास? ओके, सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी आ रही है और हम सब चाहते हैं कि माँ सरस्वती की ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे। तो उस दिन आप क्या करिए, सुबह जल्दी उठकर अपने पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला के नहाइए, इंटेंशन ये रख के कि हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। उस दिन आप येल्लो कलर के कपड़े वियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप उस दिन पीले वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए किसी जरूरतमंद को, तो इससे भी आपकी लाइफ में माँ सरस्वती की कृपा बढ़ना शुरू हो जाती है। और उस दिन धार्मिक ग्रंथों का दान करना, जैसे कि भगवद गीता हो गई, 5 लोगों को 7 लोगों को 11 लोगों को अगर आप दान करते हैं जिनको उस चीज की वैल्यू हो, उससे भी माँ सरस्वती बहुत ज्यादा आपकी तरफ प्रसन्न होती है। ये विद्यार्थियों ने विशेष करना चाहिए? जी बिल्कुल, विद्यार्थियों ने विशेष करना चाहिए, तो इससे उनके पढ़ाई में, उनके करियर में कभी भी रुकावटें नहीं आती है। और एक माँ सरस्वती का यंत्र भी है, जो कि अगर आप अपने, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अपने सामने उसको लगाते हो, तो इससे भी माँ सरस्वती की कृपा बढ़ती है।